ट्विटर के नए बॉस यानी इलॉन मस्क एक साल के अंदर ही ट्विटर से तंग आ गए हैं। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद ट्विटर तो खरीद लिया लेकिन अब परेशान हो बैठे हैं। हाल ही में इलॉन मस्क पहुंचे बीबीसी ऑफिस जहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ट्विटर के संचालन पर बात की। अब बातचीत के ही दौरान मस्क ने बताया कि उनके लिए ट्विटर को संभालना एक भारी सिरदर्दी बन गया है और अब उन्हें ट्विटर चलाने में कुछ खास मजा नहीं आ रहा और अब वो कंपनी को बेचने का मन बना रहे हैं। इस जवाब के बाद इलॉन से पूछा गया कि क्या ट्विटर को खरीदने के फैसले पर वो अफसोस करते हैं। इस बात का जवाब देते हुए इलॉन ने अपने फैसले को सही बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि ट्विटर के साथ पेन लेवल काफी हाई है और ट्विटर में अब तक उनका सफर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। हालांकि इसमें उन्हें कुछ खास मजा नहीं आ रहा और वो कहते हैं कि बीते कुछ महीने में हालत काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इस बातचीत के दौरान इलॉन मस्क ने ट्विटर को बेचने की भी इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई सही खरीदार मिलता है तो वो ट्विटर को बेचना चाहेंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने ट्विटर को $44 बिलियन यानी कि करीब 35 लाख करोड़ रुपए में खरीदा। उनका कहना है कि कोई उनको उतने ही पैसे देकर ट्विटर को खरीदना चाहेगा तो वो ट्विटर को तब भी नहीं बेचेंगे। उनका कहना है कि पैसे उनके लिए मायने नहीं रखते और ट्विटर को बेचते वक्त वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि खरीदार के लिए सच मायने रखता हो, ना कि वो कितने पैसे दे सकता है। आपको बता दें, इलॉन ने जनवरी 2022 में ट्विटर के शेयर्स खरीदने शुरू किए थे और अप्रैल 2022 आते आते वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और अप्रैल में उन्होंने ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि बीच में एक बार उन्होंने खरीदने से इनकार भी कर दिया, लेकिन आखिर अक्टूबर 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था। लेकिन टेक ओवर करने के बाद से ही ट्विटर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। बीते महीने में ही ट्विटर ने अपने 80% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का वर्कफोर्स 8,000 से घटकर 1,500 ही रह गया है। इसके साथ ही कंपनी ने ट्विटर ब्लू प्लान की भी शुरुआत की है। इसके तहत ट्विटर के प्रीमियम फीचर्स और ब्लू टिक के लिए लोगों को ये प्लान खरीदना जरूरी है। लेकिन बावजूद इसके ट्विटर में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कभी लोगो बदलता है तो कभी CEO, कभी अचानक ब्लू टिक हटा दी जाती है तो कभी फिर वो वापस आ जाती है। ऐसे कई फंडामेंटल और फाइनेंशियल बदलाव लगातार हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इलॉन को ट्विटर का सही खरीदार मिलता है या वो खुद ही ट्विटर की कमान संभालते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।